जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मंच पर विराजमान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री प्रहलाद पटेल, श्री बाबुल सुप्रियो जी, नेताजी सुभाष बोस के निकट संबंधी जन, भारत का गौरव बढ़ाने वाली आजाद हिंद फौज के जांबाज सदस्य, उनके परिजन, यहां उपस्थित कला और साहित्य जगत के दिग्गज और बंगाल की इस महान धरती के मेरे भाई और बहनों, आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। बचपन से जब भी ये नाम सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं किसी भी स्थिति में रहा, परिस्थिति में रहा, ये नाम कान में पड़ते ही एक नई ऊर्जा से भर गया। इतना विराट व्यक्तित्व की उनकी व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाए। इतनी दूर की दृष्टि कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ जाए। विकट से विकट परिस्थिति में भी इतना हौसला, इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती ठहर न पाए। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं, और नमन करता हूं उस मां को, प्रभा देवी जी को, जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। आज उस पवित्र दिन को 125 वर्ष हो रहे हैं। 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था, भारत के नए सैन्य कौशल का जन्म हुआ था। मैं आज नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। साथियों, मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा से घड़ने वाली
बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि को राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, मां शारदा, मां आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे संतों ने इस पुण्य भूमि को वैराग्य, सेवा और आध्यात्म से अलौकिक बनाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गुरुचंद ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर जैसे अनेक समाज सुधारक, सामाजिक सुधार के अग्रदूतों ने इस पुण्य भूमि से देश में नए सुधारों की नींव भरी।